नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं लाइनेज ओएस के बारे में। यहाँ पर हमने रेडमी डिवाइस के वर्जन लाइनेज ओएस का जो लेटेस्ट बिल्ड है जो कि एंड्रॉइड 13 के साथ अवेलेबल है, हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान लाइनेज ओएस 20 का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के साथ लाइनेज ओएस के साथ जो है फेस अनलॉक को भी ऐड किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। पर एंड्रॉइड 13 के साथ अवेलेबल है। एंड्रॉइड 13 का जो स्टडी है ऐड किया गया है, लाइनेज ओएस 20 का बिल्ड है। यहाँ पर हमने रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस पर जो है ये जो लाइनेज ओएस का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है, अनऑफिशियल बिल्ड है। 5th October का जो सिक्योरिटी पैच बिल्ड है ऐड किया गया है। एंड इस तरह से 4.14 कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेस अनलॉक के बारे में। पर एंड्रॉइड 13 के साथ ये पर जो फेस अनलॉक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, और फेस अनलॉक प्लस फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट के बारे में। सिंपली टैप किया, ओपन हो गया। वंस अगेन टैप किया, ओपन हो गया। पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। बहुत ही फास्ट आपको जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा। पर रैपिड एनिमेशन को भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है। अगर बात करें फेस अनलॉक के बारे में, पर जो है फेस अनलॉक भी काम कर जाएगा। तो पर फेस अनलॉक जो काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट आपको जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, प्लस यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। एंड्रॉइड 13 के साथ यहाँ पर जो फेस अनलॉक को ऐड किया गया है लाइनेज ओएस 20 के साथ। तो पर इस अपडेट के साथ फेस अनलॉक भी देने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 13 के साथ लाइनेज ओएस के साथ। प्लस कुछ एनिमेशन एंड आइकन को भी ऐड किया गया है। प्लस ये जो बिल्ड है तो लाइनेज ओएस का अनऑफिशियल बिल्ड है। यहाँ पर इस रॉम के साथ बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है। आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा, अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। एंड लाइनेज ओएस का जो बिल्ड है, लाइनेज ओएस 20 को किस तरह से इंस्टॉल करते रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर, इसके बारे में हमने जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके इंस्टॉलेशन वीडियो को चेकआउट करके देखो। यहाँ पर जो है लाइनेज ओएस के साथ जो पर ओटी अपडेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर सिस्टम के ऊपर जो है सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर से आप जो है सिंपली ओटी अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर ओटी अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। जो है यहाँ पर नया वाला जो ओटी अपडेट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड करने का जो ऑप्शन देने को मिलेगा। तो पर ओटी अपडेट का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। प्लस यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन वही के ऊपर कुछ इश्यू देने को मिल रहा था, उसे भी फिक्स किया गया है इस अपडेट के साथ। यहाँ पर जो फेस अनलॉक के साथ और अनलॉकिंग के टाइम लॉक स्क्रीन वही जो है क्रैश कर जा रहा था, उसे भी फिक्स किया गया है इस अपडेट के साथ, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो एंड्रॉइड 13 के साथ लाइनेज ओएस के साथ जो फेस अनलॉक अवेलेबल है, ये जो फीचर्स है हाईलाइटिंग फीचर्स है इस बिल्ड के साथ। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते परफॉर्मेंस के बारे में। हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को रन किया था, यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1118 का स्कोर है। रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो है 3D मार्क के साथ वाइल्ड लाइफ के साथ 1118 का स्कोर देने को मिल गया है। गिगबेंच 5 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 555 का स्कोर है। मल्टी कोर के साथ जो है 1644 का स्कोर देने को मिल गया है गिगबेंच 5.4.4 के साथ एंड्रॉइड 13 के साथ। यहाँ पर जो सिंगल कोर का जो स्कोर है प्लस मल्टी कोर का जो स्कोर है काफी बढ़िया है। स्पेशली यहाँ पर जो है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो मल्टी कोर के ऊपर हमें इसको देने को मिल गया है, काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो है सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर के साथ जो है काफी बढ़िया इसको देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर सेफ्टीनेट के बारे में, बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टीनेट पास हो जाएगा। मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम करेगा। यहाँ पर जो बाई डिफॉल्ट सेफ्टीनेट पास हो जाएगा इस रॉम के साथ। अगर बात करें पर सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट है हमने रन किया था। यहाँ पर मैक्स गया है 155, एवरेज 152, मिनिमम है 138। यहाँ पर जो कोई भी सीपीयू थ्रॉटल देने को नहीं मिला है। मैक्स सीपीयू गया है 2.30 जिगर्स तक। तो यहाँ पर जो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के साथ जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। तो सीपीयू थ्रॉटलिंग गिगबेंच 5 एंड यहाँ पर जो 3D मार्क के साथ काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है इस रॉम के साथ, जो रैम मैनेजमेंट देने को मिलेगा काफी बढ़िया है। कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा रैम मैनेजमेंट के साथ। प्लस यहाँ पर जो है कोई भी लैग कोई भी हैंग का इशू नहीं है। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है। प्लस जो गिगबेंच है यहाँ पर जो है सीपीयू 13 टेस्ट के ऊपर जो परफॉर्मेंस देने को मिलता है काफी बढ़िया है। प्लस यहाँ पर
जो एनिमेशन देने को मिलेगा काफी स्मूथ एनिमेशन देने को मिलता है एंड कुछ इस तरह से क्विक सीरीज पैनल का जो यूआई है देने को मिलेगा लाइनेज वाइज के साथ। एंड यहाँ पर जो है वाईफाई भी काम कर रहा है, ब्लूटूथ भी काम कर रहा है, फ्लैशलाइट भी काम कर जाएगा, प्लस नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, पर एक्सट्रीम का ऑप्शन है, हॉटस्पॉट, डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए जो टॉगल है ऐड किया गया है, प्लस पर जो है एंड्रॉयड 13 के साथ 100 मोड को ऐड किया गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो टॉगल है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, और बैटरी 5% का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो कुछ इस तरह से इसी ऑप्शन से, यहाँ पर अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, यहाँ पर थर्मल पोवल का ऑप्शन है, एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, थर्मल पोवल के ऊपर जो इसी ऑप्शन जो है अवेलेबल है थर्मल पोवल के साथ। यहाँ पर इस रोम के साथ अगर आप 120 हर्ट्ज की यूज करोगे तो आपको लगभग यहाँ पर जो 5 आवर से 6 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा, यानी यहाँ पर जो 60 हर्ट्ज के साथ लगभग 6 आवर से 7 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करता है कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो, पर यूजर टू यूजर बैटरी बैकअप जो डिफरेंट हो सकता है। मेरे सबसे जो बैटरी बैकअप देने को मिलेगा इस रोम के साथ काफी बढ़िया है, बैटरी बैकअप के साथ कोई भी शिकायत का मौका आपको देने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर एनहांस नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है, या पर लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, नाउ ब्लिंक का जो ऑप्शन से काम करते हैं रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर, नाउ ब्लिंक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, रिंग वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, टच फीडबैक का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो टच साउंड का ऑप्शन है, स्क्रीन लॉकिंग साउंड का जो ऑप्शन है इसे आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, या पर एमआई का जो साउंड एनहाइजर है ऐड किया गया है, अलग अलग हेडफोन टाइप का ऑप्शन है, अलग अलग जो प्रीसेट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एमआई का जो साउंड एनहाइजर है पर काम करते हैं, प्लस हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन है इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, या पर डिस्प्ले के साथ मैक्सिमम ब्राइटनेस यानी लो ब्राइटनेस पर कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा, ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, या पर लोकेशन के साथ जो है अलाउ फेस अनलॉक ऑन लोकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, या पर लोकेशन के ऊपर जो नाउ ब्लिंक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर जो ऑलवेज ऑन राइज टू वेक अप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, या पर ऐसे भी ऑप्शन से पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर, प्लस यहाँ पर लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन है, या पर जो 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली बचे डबल टैप करते डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इस पर ऐड किया गया है, प्लस डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सर्च बार में डबल टैप करते डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाएगा, प्लस वेकअप ऑन प्लग का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली यहाँ पर जब भी आपका जो डिवाइस आप चार्जिंग के साथ कनेक्ट करेगा और डिस्कनेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इस पर ऐड किया गया है। यहाँ पर वॉलपेपर स्टाइल के साथ जो बेसिक कलर एंड यहाँ पर वॉलपेपर कलर का ऑप्शन है, डार्क मोड का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो थीम आइकन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, पर अपग्रेड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, अपग्रेड के ऊपर 5x5 4x4 का जो ऑप्शन से काम करता है इसे भी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सीरीज के साथ जो है एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम करेगा, यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर ऑडियो एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, एंड पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया था, प्लस यह बढ़ जाए प्राइवेसी के ऊपर जो कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, प्राइवेसी डैशबोर्ड का ऑप्शन है, प्राइवेसी डैशबोर्ड को देख पाओ कि कौन कौन से एप्लीकेशन जो लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन का जो एक्सेस पूछ रहा था जस्ट लाइक एंड्रॉइड 12। एंड यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यह बट सिस्टम के ऊपर जैसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर बटन्स का ऑप्शन है, बटन्स के ऊपर जो है सिंपली यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है यहाँ पर पावर मेनू से एनेबल करना होगा, सिंपली यहाँ पर जो अब यहाँ से एडवांस रिबूट में टैप करके आप जो रिकवरी बूटलोडर प्लस पर जो सिस्टम यूआई को रिबूट कर सकते हो, पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं है, या पर आप सिंपली पावर बटन के साथ कॉल को बंद कर सकते हो, पर फ्लैश लाइट को एनेबल करने के लिए लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च का ऑप्शन है, डिवाइस को वेकअप करने के लिए डिवाइस वेकअप का ऑप्शन है, वेकअप डिवाइस का ऑप्शन है, कॉल को आंसर करने के लिए आप सिंपली वॉल्यूम बटन के साथ कॉल को आंसर कर सकते हो, प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप गाना को स्किप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है ऐसे भी ऑप्शन से। सरस बर्क पर जो क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है, सिस्टम आइकन का ऑप्शन है, सरस बर्क पर जो कौन कौन से आइकन को दिखाना चाहते हो इसके लिए जो है जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये पर बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, प्लस ब्राइटनेस स्लाइडर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है,
ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सरस बर के साथ आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। गेस्चर्स के ऊपर जो है क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद पावर बटन को डबल बार प्रेस करके जब कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, टू बटन नेविगेशन, थ्री बटन नेविगेशन, गेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर 100 मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, सिंपली नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके जब 100 मोड को एनेबल कर सकते हो। पर शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, 100 मोड का जो शॉर्टकट है ऐड किया गया है। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का ऑप्शन है, सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके जब असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। या पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, आप सिंपली गेस्चर्स के साथ स्क्रीनशॉट को भी क्लिक कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है लाइन है जो इसके साथ ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है, जरूर सिस्टम को ट्राई करके देखना है। रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अलग अलग कस्टम नाम को ट्राई करके देख सकते हो। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। एंड जरूर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइन चॉइस का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा।